अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये आपके सामने मेरे कुछ पॉट्स वगैरह पड़े हैं जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। इनके ऊपर पेंट मैंने खुद ही किया है, और जो मेरे सेकुलेंट्स आए थे उनके साथ मुझे ये पॉट्स मिले थे, तो मैंने इनके साथ थोड़ा सा कलरफुल कर दिया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ उन्होंने मुझे सेकुलेंट्स के साथ उनकी सॉइल मिक्स भी भेजी थी और परलाइट भी भेजा था, और बहुत अच्छी प्राइस में मुझे जो है वो ये मिल गए थे। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे फ्रॉम द्राज। तो अभी जो है मैं साथ साथ आपको सारा गाइड करती जाऊंगी। अच्छा, ये जो सॉइल है ये तो मुझे बनी बनाई मिली है, ठीक है, उनके साथ ही उन्होंने भेज दी थी, तो इसलिए मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब कुछ ऐसे सकुलेंट्स आए जो जिनके साथ जो है वो सॉइल मिक्स नहीं आया था, तो फिर वो मैंने खुद प्रिपेयर किए थी, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी शेयर कर दूंगी किसी भी वीडियो में। तो ये साथ साथ मैं इनके सारे नेम्स वगैरह भी आपको बता दूंगी। पहले जो था हवर्थिया लेमफोलिया, वो मैंने आपको दिखाया। अभी जो है ये जो मैं निकाल रही हूँ ये गॉलम जेड है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आएगा जेब्रा हवर्थिया। ये सारे ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जेड की तो आई थिंक मैंने आपके साथ पहले भी एक शेयर की थी वीडियो, जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये है ज़ेब्रा हवर्थिया, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अब तो खैर ये जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये इनको लगाए हुए भी तकरीबन 1-1.5 महीना हो चुका है। मैं लेट हो गई थी इसको अपलोड करना। तो ये इसके साथ इन्होंने इनकी सॉइल मिक्स दी थी। सॉइल मिक्स में ज़्यादा जो है वो कोकोपीट है, इसके अंदर थोड़ी सी वर्मी कंपोज है, राइस हस्क है और परलाइट है। ये इन्होंने इसके साथ तीन, क्योंकि मैंने तीन ऑर्डर किए थे, तो तीन के साथ तीन जो है वो सकुलेंट की उन्होंने भेजी, सॉइल मिक्स भेजी, परलाइट भेजा। तो इसको प्रिपेयर आपने इस तरह से करना है कि थोड़ी सी जो मिट्टी जो है भल मिट्टी, वो आप अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो ज़रा ये ठहराव में आ जाते हैं, यानी उसकी जो सॉइल की जो पकड़ होती है उसको क्या कहते हैं आपके सकुलेंट, वो ज़रा थोड़े से ना जानदार दिखते हैं और मतलब सही से प्रॉपर प्लेस हो जाते हैं। तो ये जो अब थोड़ी सी मिट्टी आप इसके साथ जो जब आपको ये सॉइल मिक्स मिले, तो आप थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिए मिट्टी, भल मिट्टी, और या मैं मिक्स कर रही हूँ सारा। और साथ ही ये आपके सामने है बोन मील। बोन मील जो होता है ये जानवरों की हड्डियों से बना हुआ होता है, सरासर कैल्शियम होता है, और ये जो इनके जड़ों को अच्छा से ग्रो करने में मदद देता है। और अगर जो भी आपके जितने बड़े प्लांट्स भी हैं, लाइक आप अगर मंथ में 1 टाइम इनको बोन मील दे दें, तो ये इनके लिए बहुत मज़ेदार वाली ट्रीट होती है। जैसे हमारे लिए ट्रीट्स होती हैं, वैसे ही किसी भी प्लांट के लिए अगर आप उनको बोन मील देते हैं, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉट्स जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा वेल ड्रेन पॉट है, तो इसके अंदर मैं इसको मिक्स ये जो मैंने बनाया है ये मैं डाल रही हूँ, और इसके अंदर जो ना मैं अपने सकुलेंट्स को प्लेस करूँगी इस तरह से पटक पटक के। आपने लाजमी करना है क्योंकि वो अच्छे से जो ना वो नीचे बैठ जाती है ना। पहले आपने हाफ उसको फिल करना है, हाफ फिल करने के बाद, क्योंकि जब आपने उसको लगाना है उसके बाद जो है उसको फिर दोबारा मज़ीद मिट्टी भी डालनी होगी, ठीक है। इस तरह से मैं हाफ हाफ पहले जो है वो फिल कर लूँगी, फिल करने के बाद फिर दोबारा जो है मुझे मज़ीद जो है बनानी पड़ी मिट्टी, क्योंकि ये कम पड़ गई थी। तो वो अपने साथ साथ देखते जाना है। मैंने 2 मुट्ठी जो है वो ये भल मिट्टी डाली है, और उसके साथ में जो ना ये जो सकुलेंट की सॉइल मिक्स है वो डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं परलाइट इसमें है, और ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये राइस हस्क है, और राइस हस्क जो है वो बहुत अच्छी रहती है सकुलेंट्स के लिए। मेरे पास वैसे जो दूसरे वाली मैंने मिट्टी घर पे बनाती हूँ, वो राइस हस्क मुझे अभी कहीं से मिल नहीं रही है। खैर ये कि ये सकुलेंट के लिए जो ना वो राइस हस्क जो है वो होना आपको ज़रूरी होता है, लेकिन अगर नहीं हो तो आप परेशान नहीं होइएगा। आप अपनी जो है वो सॉइल मिक्स इसके बगैर भी बना सकते हैं। वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो सकुलेंट की जो सॉइल मिक्स मैं तैयार करती हूँ वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर दूँगी। ये परलाइट है, ये आप जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो लाजमी अच्छे से प्लेस करें, क्योंकि इसके साथ जो ना वो, क्योंकि वैसे तो इनको धूप पसंद है,
क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक कुदरती पानी पाया जाता है, तो पानी इनको ये कम लेते हैं, लेकिन जब धूप, ऑब्वियस बात है कि जब धूप लगेगी तो सड़ ना जाए, तो इसलिए जो है ये जो परलाइट है, स्टोन्स वगैरह इसके अपर साइड पे डालना लाजमी होता है। तो इस तरह से जो है वो आप इनको लाजमी परलाइट जो है वो ऊपर प्लेस करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सकुलेंट्स के। आप जो परलाइट है ये वैसे भी आप अपने जितने भी प्लांट्स वगैरह जो जल्दी खुश्क हो जाते हैं धूप की वजह से आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, तो उसके लिए जो है वो लाजमी होता है कि आप उन पे भी ये परलाइट के स्टोन्स, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स मिल जाते हैं परलाइट के, तो वो आप प्लेस कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह ताला प्लेस करूँगी। वैसे ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, मतलब नॉर्मल प्राइस में होते हैं, बहुत ज़्यादा ना तो कॉस्टली होते हैं ना ही जो ना वो मतलब नॉर्मल होती है इनकी प्राइस। तो ये जी अभी मैं जो लगा रही हूँ ये है ज़ेब्रा हवर्थिया, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ये बहुत ही छोटा सा आया था लेकिन अब कदरे बेहतर अपनी शेप भी निकाल रहा है और साइज़ में भी ठीक होता जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेबीज़ भी दे देता है, और अगर आप इसको अच्छा वाला पॉट दे देते हैं तो देखिए हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो है जो ये गार्डनिंग है ये बहुत ही थोड़ा क्या कहते हैं सब्र और तहम्मुल वाला काम है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने अब लगा दिया तो आपको इसका फल बहुत जल्दी मिल जाए, मतलब मिलता तो है लेकिन ये कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और यकीन माने जब ये फलते फूलते हैं तो फिर तो खैर बहुत ही आपको एक जैसे आप के घर में कोई बेबी आ जाता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, तो ये वैसी ही खुशी आपको देता है। तो अच्छा ये है हवर्थिया लेमेफोलिया, तो ये इसका मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका पॉट जो है वो छोटा है, लेकिन ये कि ये सरकार बड़े हैं। तो खैर अब इसको प्लेस तो मैंने कर दिया, लेकिन होपफुली कि मैं इसको जो है वो कोई बड़ा पॉट, इसके लिए जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा पॉट होना चाहिए था। खैर इन शॉर्ट ये कि अभी हम इसको इसी तरीके से फिल कर देंगे, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो बाहर आ रही हैं, तो आई थिंक सो कि इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा पॉट देंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा होपफुली। लेकिन अभी मेरे पास ये माशाल्लाह से अच्छा ठीक चल रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, और आप इसको जो लोग डरते हैं कि जी पता नहीं प्लांट्स जो है मर ना जाएँ तो बद्दुआ, पहली बात तो ये कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि बद्दुआ देते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी होता। लेकिन ये कि अगर आपने किसी जानदार को पाल रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है जैसे हमें भूख लगती प्यास लगती है, वैसे इनको भी भूख प्यास लगती है। तो आप पानी भी इसको दें तो ये सदका जारिया भी है, आप समझें कि आप अपना सदका ही दे रहे हैं अगर आप इनको देते हैं। और फिर अगर आप इनको पानी वगैरह देते हैं तो ये आपके बहुत, ये बहुत एक लंबी कहानी है और बड़े मज़े का जो ना वो ये चीज़ है, फिर कभी इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। बट ये कि इन शॉर्ट ये कि पानी ज़रूर दें इनको, अगर आपके घर में एक आध पौधा भी आपने रखा हुआ है तो उनको पानी देना ना भूलिए। तो जी ये मेरे जो हैं वो अच्छे से वेल ड्रेन जो है वो सॉइल भी मिक्स तैयार हो चुकी है, मेरे जो सारे के सारे पौधे जो हैं वो लग चुके हैं, प्लांट्स सकुलेंट्स, और देख सकते हैं कि इनके जो वेल ड्रेन सॉइल बनी हुई है, देखें पानी जैसे ही डालते हैं नीचे से वो नीचे ड्रेन कर जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ इनके लिए ये जो सकुलेंट्स है, सिर्फ इतना होता है कि ये ज़्यादा पानी नहीं मांगते हैं, जस्ट ये कि आपने इनके सॉइल को थोड़ा सा गीला कर देना होता है और उसके बाद दैट्स इट, ठीक है। तो तब तक पानी दें जब तक इनका पानी जो है वो नीचे से ड्रेन ना हो जाए, ये हर पौधे का जो है ये असूल है कि तब तक पानी देना होता है जब तक नीचे से पानी ड्रेन नहीं कर जाता। ये गोल्डन जेड है, ये माशाल्लाह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो इनकी जो अभी की जो अपडेट है वो मैं लाजमी दूँ, कि अब तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी हुई है। इनकी ये जो ये लीव्स वगैरह हैं ये काफ़ी लंबी लंबी सी हो गई हुई हैं, और बहुत ही दिखने में खूबसूरत ये प्लांट है गोल्डन जेड। और मेरे पास जेड प्लांट भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने उसके जो प्रोपगेशन की है कट करके मैंने लगाए हैं, और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ की है, उनकी जड़ें भी जो बन चुकी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको जेड प्लांट पे, वो भी सकुलेंट ही है, वो बहुत ज़बरदस्त प्लांट है और लकी प्लांट्स में भी वो आता है,
तो वो मैं उसकी सारी आपको जो है वो अपडेट इंशाल्लाह लाज़िम जल्द अज़ जल्द दूंगी। इंशाल्लाह हो सकता है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पे हो, नहीं तो देखते हैं कि कब और मैं ये अपडेट आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी दे दूंगी। ठीक है, ये सारे मेरे जो सेकुलेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी सारा बह चुका है और ये सारे लग के तैयार हैं और मुझे ये बहुत खूबसूरत लगे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको लगाए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है और ये ज़ेब्रा वर्ती है। ये पिछली वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं और अभी वाली भी देख लीजिए। ये गोलम जेड की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जी ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। साथ में मैंने आपको अपडेट भी दे दी कि कैसे ये ग्रो किए हैं। इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ अबाउट माई सकुलेंट, अबाउट माई प्लांट्स। इंशाल्लाह ताला दोबारा, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।